ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेरिफेरल केमोरिसेप्टर. उसके बाद वी विल सी हाउ दे बिहेव इन हाइपोक्सिया एक्सेसिव एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो जो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर है इनकी लोकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दे आर लोकेटेड इन एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी. उसके बाद व्हाट दे सेंस, दे मेनली सेंस ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स. दे डू गेट अफेक्टेड बाय हाइपरकैपनिया एंड हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन, बट इनका जो मेन स्टिमुलस है डेट इज ऑक्सीजन. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और हाइड्रोजन लेवल था, लेकिन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर दे मेनली सेंस ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड और उसी पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इन हाइपोक्सिया जो मेन कीमोरिसेप्टर विच आर रेगुलेटिंग वेंटिलेशन डेट आर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. अच्छा जो ये वाला पॉइंट है ना कि 60 to 30 mmHg, इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे. सो फॉर नाउ इसको अभी आप रहने दें, इसकी सेपरेट डिस्कशन होगी. ओके सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेट कि दीज आर फास्ट रिस्पॉन्डिंग मोनिटर्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड. अच्छा अब आर्टीरियल ब्लड क्यों कहा गया, वो इसलिए कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं इनका हाई परफ्यूजन रेट होता है. अगर इनका फॉर एग्जाम्पल ये अपने वेट ऑफ द बॉडी से अबाउट 20 times मोर ब्लड रिसीव करते हैं, अगर इनका वेट 2 mg है तो ये अपने वेट से 20 times ज्यादा ब्लड रिसीव कर रहे हैं. अब इतना ज्यादा परफ्यूजन रेट होने की वजह से जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लड प्लास कर रहे हैं ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर पड़े हुए हैं, अब इतना इनको तो थोड़ा सा बस ऑक्सीजन चाहिए, तो जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है डेट इज वर्चुअली जीरो मतलब ना होने के बराबर है. सो एट ऑल टाइम दे आर एक्सपोज टू आर्टीरियल ब्लड. और एंड सेकेंडली ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं दे गेट स्टिमुलेटेड बाय द ऑक्सीजन विच इज इन डिजॉल्व फॉर्म. ऑक्सीजन दो फॉर्म में होता है, एक डिजॉल्व फॉर्म और एक विच इज बाउंड विद हीमोग्लोबिन. तो ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है इनका इतना हाई परफ्यूजन रेट है कि दो ये डिजॉल्व फॉर्म जो है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है ब्लड में, बट डेट इज वेरी मच इनफ फॉर दिस पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. और ये जो ये कीमोरिसेप्टर इसी डिजॉल्व फॉर्म से ही इसी डिजॉल्व फॉर्म को ही सेंस करते हैं और इसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉट विद द वन विच इज बाउंड विद हीमोग्लोबिन. एंड थर्डली इनके जो ग्लोमस सेल्स होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के जो ग्लोमस सेल्स होते हैं दे आर इन साइनेप्टिक कॉन्टेक्ट विद एफरेंट फाइबर्स. तो जब ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल को सेंस करेंगे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, इनका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे और वो जो न्यूरल मतलब के एफरेंट फाइबर्स के थ्रू इम्पल्स चली जाएगी रेस्पिरेटरी सेंटर तक और उसी तरह अकॉर्डिंगली जो है वेंटिलेशन का पैटर्न और रेट मोनिटर हो जाएगा. तक तो हम लोगों ने देख ली कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये कैसे रिसेप्टर्स हैं, इनमें कौन से सेल्स हैं और ये किस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन पे रिस्पॉन्ड करते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया मीन के ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो हाउ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आर गोइंग टू रेगुलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो होगा ये कि जैसे ही हाइपोक्सिया होता है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है इफ इट फॉल्स बिलो 60 mmHg तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे. कैसे स्टिमुलेट होंगे कि ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के जो ग्लोमस सेल्स हैं दे हैव कैल्शियम चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल्स. ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ये पोटेशियम चैनल्स जो हैं ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे. इनएक्टिवेट होंगे तो पोटेशियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा, पोटेशियम का इन्फ्लक्स कम होगा तो डीपोलराइजेशन होगी. डीपोलराइजेशन जो होगी वो इन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगी. कैल्शियम चैनल जब ओपन होंगे तो बाहर से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा इनसाइड और इन साइटोसोलिक कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इंक्रीज होगी. ये जो इंक्रीज है कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन में डेट इज स्टिमुलेंट या ये स्टिमुलेट करती है रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स इन टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. और ये जो बहुत से न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन इस केस में ज्यादा ADP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है ये जाके रिसेप्टर एफरेंट फाइबर के रिसेप्टर पे लगेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि जो एफरेंट फाइबर है वो स्टिमुलस लेके जाए टू द CNS. कौन सा अब ये एफरेंट फाइबर कौन सा है, दिस एफरेंट फाइबर कुड बी एओर्टिक नर्व जो कि ब्रांच है वेगस नर्व की और इट कुड बी हेरिंग नर्व जो कि ब्रांच है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की. तो ये एफरेंट फाइबर ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है और ये एफरेंट इम्पल्सेस लेके जाएगा
कहाँ लेके जाएगा, डीआरजी तक लेके जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और डीआरजी फिर डिफरेंट इम्पल्सिस के थ्रू रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे, उन तक मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई काम आ गया और अपनी वेंटिलेशन इंक्रीज कर दो, ताकि जो हाइपर वेंटिलेशन से ऑक्सीजन लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा और हाइपोक्सिक कंडीशंस के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू हाइपोक्सिया. पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर बिहेव इन हाइपोक्सिया. लेकिन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि दे आर मोस्ट सेंसिटिव बिटवीन 60 to 30 mmHg. अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि नॉर्मली जैसे हमारे ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है डेट इज राउंड अबाउट 100 mmHg. अब 100 mmHg से 60 mmHg पहले प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो इस सारे प्रेशर ड्रॉप में जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो वेंटिलेशन का रेट इंक्रीज एसेज नहीं करते, बिकॉज they are not that much sensitive to the pressure drop between 100 mmHg to 60 mmHg. अब इसकी कुछ reasons हैं जो हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. लेकिन जैसे ही pressure 60 से below drop होना शुरू करता है तो peripheral chemoreceptor वो बहुत ज़्यादा sensitive हो जाते हैं और उसी तरीके से ventilation को increase करते हैं. अब इसकी क्या reasons हैं? सबसे पहले इसकी ये रीज़न है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, 100 mmHg से 60 mmHg तक आ रहा है. प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होने का मतलब यह है कि जो हीमोग्लोबिन है डेट विल बिकम लेस बाउंड विद ऑक्सीजन, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगी. और हमें पता है कि जब रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ वीकर एसिड है, तो इसका मतलब कि इट विल बाइंड मोर विद द हाइड्रोजन आयन. अब यह हाइड्रोजन आयन से जब ज्यादा बाइंड करेगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन तो ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी. और हमें यह पता है कि हाइड्रोजन आयन्स जो हैं दे आर अ स्टिमुलेंट ऑफ रेस्पिरेशन. जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे ब्लड में उतना ज्यादा रेस्पिरेशन का रेट कम होगा. लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कम होने से जब बिटवीन 100 to 60 mmHg हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में इतनी कमी आ रही है तो वो रेस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा. सो दिस इज एक्टिंग एज अ ब्लॉकर, एज एन इनहिबिटर. एक तो हो गया ये इनहिबिटर. एक और इनहिबिटर ये है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी वेंटिलेशन के रेट को इंक्रीज करने की. वेंटिलेशन के रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्रेथ आउट हो जाएगी. अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट होगी तो अल्टीमेटली एल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वहां पे जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा. और अगेन दिस इज एन इनहिबिटर ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था मेन स्टिमुलेंट है रेस्पिरेशन का. तो अनलेस और अनटिल ये जो दोनों इनहिबिटर्स हैं इनको ओवरकम करने वाला जो स्टिमुलेंट है वो इनसे ज्यादा नहीं होता, तब तक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे. तो ये कब स्टिमुलेट होते हैं? कि जब 60 mmHg से प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तब जो है यहाँ पे जो स्टिमुलस जनरेट होगा डेट विल ओवरकम दीज इनहिबिटर्स. पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो हम लोगों ने सारा पाथ में यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा इन ऑक्सीजन सेंसिंग ग्लोमस सेल्स में, एफरेंट इम्पल्सिस जाएंगी और डीआरजी जो है स्टिमुलेट होगा और अल्टीमेटली वेंटिलेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा. सो अनदर रीजन व्हाई पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आर नॉट सेंसिटिव व्हेन प्रेशर इज ड्रॉपिंग फ्रॉम 100 mmHg टू 60 mmHg बट वेरी सेंसिटिव व्हेन प्रेशर फॉल्स बिलो 60 mmHg इज बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. अगर हम बात करें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, तो नॉर्मली जो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है डेट इज 100, नॉर्मली उसके ऊपर तकरीबन 98% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होती है विद ऑक्सीजन. तो अगर 100 mmHg से 60 mmHg प्रेशर ड्रॉप कर भी रहे, सो इन रिस्पॉन्स टू दिस वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रेशर जो हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन में वेरिएशन है वो बहुत कम है. मतलब 60 mmHg पे भी हीमोग्लोबिन जो है डेट इज अबाउट 80 to 79% सेचुरेटेड, विच इज इनफ. तो यहाँ पे ज्यादा हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन में वेरिएशन नहीं आए. बट जैसे ही प्रेशर 60 mmHg से ड्रॉप करना स्टार्ट करता है तो अब आप ये देखें कि इस ग्राफ की स्टीपनेस शो कर रही है कि
हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन में भी ज्यादा वेरिएशन आएगी। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन में वेरिएशन आएगी, लेस ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशंस डेवलप होंगी। इन हाइपोक्सिक कंडीशंस को पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और वो स्टिमुलेट होंगे और वो वेंटिलेशन के रेट को इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज अनदर रीजन कि वाई पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर मोर सेंसिटिव बिलो 60 mmHg। Now is the time to see how carbon dioxide levels in the blood and hydrogen ion concentration affect peripheral chemoreceptor. Though peripheral chemoreceptor are affected mildly by carbon dioxide and hydrogen ion levels in the blood, but they do get affected and the response is different from central chemoreceptor in a way ke a change in hydrogen ion concentration which lead to subsequent change in pH is independent of change in carbon dioxide partial pressure in the blood, and both these factors affect independently these peripheral chemoreceptor. Agar hum baat kare carbon dioxide level ki, to during exercise carbon dioxide लेवल इंक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है एल्वियोलाई में, ब्लड में। तो उससे होता यह है कि दो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर दे गेट माइल्डली अफेक्टेड बट देयर रिस्पॉन्स इज 5 times मोर रैपिड एज कम्पेयर टू सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज इस वजह से इंक्रीज इन रेपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू CO2 अकर्स। कैसे ये रिस्पॉन्स अकर होता है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और इनके जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये आगे से स्टिमुलेट कर देते हैं सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर में जो DRG प्रेजेंट है उसको, और DRG फर्दर एफरेंट इम्पल्सेस भेजता है टू द रेस्पिरेटरी मसल्स जो कि वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देते हैं और एक्सरसाइज की वजह से अक्यूमुलेट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट हो जाती है। तो दिस इज ऑल के हाउ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर बिहेव इन एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी कंसेंट्रेशन ब्लड में कैसे इफेक्ट करती है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को। एक पॉइंट नोट करने वाला इसमें यह है कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को सेंस करती हैं कैरोटिड बॉडीज, नॉट एयोटिक बॉडीज। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को दोनों ने किया था लेकिन हाइड्रोजन आयंस को सिर्फ कैरोटिड बॉडीज करेंगे। तो अगर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है विच मींस कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में इंक्रीज हुआ है तो कैरोटिड बॉडीज की स्टिमुलेशन इस तरह से होगी कि वो वेंटिलेशन के रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे बाय स्टिमुलेटिंग DRG। अब जब वेंटिलेशन का रेट इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक वोलेटाइल एसिड है ब्रेथ आउट होगा और एसिडोसिस की कंपनसेशन हमने ऐसे ही करानी है कि एसिड की बॉडी में जो कंसेंट्रेशन है उसको कम करवाना है। सो दिस इज अ रेस्पिरेटरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरह अगर अल्कलोसिस हो गया विच मींस कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में कमी हुई है तो हमने क्या करना है कि कैरोटिड बॉडीज जो हैं वो स्टिमुलेट तो होती हैं लेकिन कैसे स्टिमुलेट होंगी, वो वेंटिलेशन के रेट को डिक्रीज करेंगी क्योंकि अब अल्कलोसिस हुआ है, हमें हमारी बॉडी में वोलेटाइल एसिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक वोलेटाइल एसिड है उसकी कंसेंट्रेशन चाहिए। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेटरी कंपनसेशन अकर्स टू हाइड्रोजन आयंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस।